हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज प्रियंका एंड दिस वीडियो इज रिलेटेड टू सीटेट एंड अदर टेट्स एग्जाम। अगर आप टेट्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से मैं जो है हिंदी व्याकरण स्टार्ट कर रही हूं, जो कोई भी टेट्स एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो हिंदी चुनते हैं, ठीक है, जिनमें हिंदी आती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेपर वन, सीटेट पेपर वन में तो इम्पोर्टेंट है ही आपको ग्रामर पढ़ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसलिए मैं क्लास फाइव का बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रही हूं। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक बच्चे की बुक है, एनसीईआरटी बेस्ड ये बुक है, और मैं पिछले वीडियो में इसके बारे में जानकारी दे चुकी हूं। वो वीडियो अगर आपने अभी तक मेरा नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाइए, टोटल वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आज से मैं स्टार्ट कर रही हूं, ये जो लेसन वन दिया गया है इस बुक में, और इसमें भाषा और व्याकरण के बारे में बताया गया है। टेट्स एग्जाम के लिए आपको हिंदी व्याकरण पढ़ना बहुत जरूरी है, और ये बुक बहुत अच्छी है, यकीन मानिए। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं, स्टार्ट किया गया इस बुक में, चूंकि ये बच्चे की बुक है इसलिए बिल्कुल बच्चे की तरह ही सिखाया गया है। और ये जो है आपको पेडागॉजी सेशन से और ग्रामर के सेशन से दोनों से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे स्टार्टिंग दिया गया है, आओ बैठो, कर लो बात, हंस लो गालो, सीख लो साथ, क्या कहानी या मन की बात, भाषा देती शब्द में साथ। भाषा जो है सब चीजों में साथ देती है, चाहे कोई भी हो। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ लिपियां यहाँ पे बनाई गई हैं, और ये जो है आदिवासी है जो देख रहा है फिगर में, और कुछ अपने बारे में सोच रहा है या फिर जो भी हो, यहाँ पे कहानी दी गई है। यहाँ पे दिए गए इस फिगर के बारे में, यहाँ दिए गए चित्र उस समय की है जब हमें आदि मानव कहा जाता था। उस समय मनुष्य को ठीक से बोलना नहीं आता था, इसलिए वह इशारों से बात दूसरों को समझाता था। धीरे धीरे मनुष्य ने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पत्थरों, चट्टानों, पेड़ की छालों आदि पर कुछ संकेत और चिन्ह बनाने शुरू कर दिए। बाद में इन्हीं संकेतों और चिन्हों से भाषा का जन्म हुआ। फिर कागज और छापखाने, जिसे प्रेस कहते हैं, के आविष्कार ने भाषा के विकास को व्यवस्थित रूप दे दिया। इस तरह भाषा के क्रमिक विकास हुआ। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी तरह तरह की आवाजें निकालकर आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। और किंतु हम उन्हें समझ नहीं पाते और न ही उनसे भाषा की रचना की जा सकती है, इसलिए मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भाषा का प्रयोग करता है। यहाँ पे लास्ट में दिया गया है, अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। देखिए कितना बढ़िया से एक कहानी द्वारा इसमें समझा दिया गया है। आई थिंक आप लोगों को भी समझ में आ गई होगी, क्योंकि कहानी से तो दिमाग में फिट हो ही जाता है। तो अपने विचार, जो आपके मन में विचार है और जो अगले के मन में विचार है, एक दूसरे के को जब हम बातचीत करते हैं तो उसका माध्यम क्या बनता है, हमारा भाषा बनता है। तो यही यहाँ पे एक लाइन में डिफिनेशन दिया गया है, जो आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट फिलहाल आप ले सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर चलती हूँ, इसमें जो समझाया गया है भाषा के बारे में, यहाँ पे देख रहे हैं भाषा के रूप। बच्चे की बुक है इसलिए बच्चे की तरह ही समझाया गया है। भाषा के दो रूप है, क्या है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, यहाँ पे एक गर्ल है जो एक हाथ में मौखिक भाषा का ली गई है और दूसरे हाथ में लिखित भाषा की ली गई है। मौखिक भाषा क्या होता है, यहाँ पे दिया गया डिफिनेशन, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी फिगर दी गई है। इस चित्र में वक्ता यानी बोलने वालों को वक्ता कहते हैं, अपनी बात बोलकर बता रहा है, अतः इसे इस भाषा को मौखिक रूप कहा जाता है, ठीक है, जो आप बोल के व्यक्त करते हो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, जिसमें भाषण, गाना, कविता, पाठ आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। बोलना और सुनना मौखिक भाषा है, बोलना और जो आप सुन रहे हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं, इसे नोट डाउन कीजिएगा। अब आते हैं लिखित भाषा के बारे में। लिखित भाषा में आप देख रहे लैपटॉप पेपर दिया गया है। इस चित्र में लिखकर अपनी बात दूसरे तक पहुंचाई जा रही है, अतः इसे भाषा के लिखित रूप कहते हैं। पुस्तक, लघु संकेत, ईमेल, निबंध लेखन आदि लिखित भाषा के उदाहरण है। लिखना और पढ़ना लिखित भाषा है, सबको नोट डाउन कीजिए, और एग्जाम्पल जो दिया गया इसे जरूर नोट डाउन कीजिएगा, एग्जाम में आपके आ सकते हैं, प्लीज हल्के में मत लीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो दिया गया है, निर्देश चिन्हों, संकेतों द्वारा भी अपनी बात कही जा सकती है, जैसे इस चित्र को देखिए, ठीक है, इस चित्र को देखिए, और यहाँ पे संकेत कुछ दिए गए हैं, इसके बारे में यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया है। इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ब्रेल लिपि, मूक अभिनय आदि सांकेतिक भाषा के कुछ उदाहरण है। ब्रेल लिपि आप देखे होंगे, डॉट डॉट रहता है, जो अंधे होते हैं उसे छू कर और वे पढ़ते हैं, उसी को ब्रेल लिपि कह रहा है, ठीक है,
मूक अभिनय जो साइलेंट होकर और आदमी कुछ अभिनय करता है उसके बारे में यहाँ पे बोल रहा है। परंतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग तभी संभव है जब हम आमने सामने हो। कई बार संकेतों द्वारा विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो पाते, इसके सीमित प्रयोग को देखते हुए इसे भाषा के रूप का दर्जा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, भाषा का रूप इसमें नहीं दिया जा सकता। अब आते हैं बोली। बोली के बारे में टोटल आप कहीं भी YouTube पे सर्च कीजिएगा, टोटल आपको कोई भी टीचर पढ़ाएगा और देखिए बुक में कितने अच्छे से दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं बोली क्या होती है। इसके बारे में यहाँ पे समझाया गया है, बोली भाषा का मौखिक रूप होती है। जब कोई भाषा किसी सीमित क्षेत्र यानी लिमिटेड एरिया में बोलचाल में प्रयोग होती है उसे बोली कहते हैं यानी डायलेक्ट कहते हैं। जैसा हरियाणा में हरियाणवी, बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, राजस्थान में राजस्थानी आदि बोली जाती है। किस भाषा, किस स्टेट की क्या भाषा है इसे भी नोट डाउन कीजिएगा। एग्जांपल सहित आपको नोट करना है, फिलहाल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मातृभाषा आप किसे कहते हैं, मातृभाषा के बारे में यहाँ पे डिफिनेशन दिया गया है। मातृभाषा उसे कहते हैं बच्चा जो भाषा सबसे पहले अपने परिवार में सीखता है उसे मातृभाषा यानी मदर टंग कहते हैं। जैसे पंजाबी परिवार के पढ़े लिखे बच्चे की मातृभाषा पंजाबी और बंगाली परिवार के बच्चे की मातृभाषा बंगला होती है। अब राजभाषा किसे कहते हैं, राजकीय या सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। देखिए कितना बढ़िया से इसमें डिफिनेशन एक एक चीज को दिया गया है, इसे नोट डाउन कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं, दुनिया भर में अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा यानी इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में मान्यता प्राप्त है क्योंकि यह विश्व की सर्वाधिक प्रचलित भाषा है। ठीक है, तो ये इसके बारे में बोली और भाषा के बारे में डेफिनेशन दी गई है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया गया है इस बुक में। यहाँ पर नेक्स्ट दी गई है भारत की प्रमुख भाषाएं। ठीक है, हमारे देश में लगभग प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा है। अब तक हिंदी सहित कुल 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है, 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, असमिया, बोडो, डोगरी, संथाली, सिंधी, कन्नड़, कश्मीर, कोकणी, मलयालम, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, उड़ीसा, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इसे फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अच्छे से नोट कीजिएगा, जरूर इम्पोर्टेंट है। विश्व की कुछ प्रमुख भाषाएं के बारे में यहाँ पे बताया गया है। पूरे विश्व में लगभग 6500 भाषाएं बोली और लिखी जाती है, उसमें से कुछ इस प्रकार है, अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, अरबी, जापानी, स्पेनिश, जर्मन, थाई, हिब्रू, रूसी आदि। यहाँ पे टोटल ये कितने भाषा है इसे भी नोट डाउन कीजिएगा। लिपि क्या होती है अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती है, बोलते समय जो हमारे मुंह से आवाजें ध्वनियां निकलती हैं, उन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उनके कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। ठीक है, इन्हीं चिन्हों को लिपि यानी स्क्रिप्ट कहते हैं। लिपि भाषा को लिखित रूप होती है, लिपि भाषा का लिखित रूप होती है। भाषा लिखने का तरीके या ढंग को लिपि कहते हैं। एक लाइन में इसका डेफिनेशन दिया गया, जिसे आपको नोट डाउन करना है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी है, जैसे यहाँ पे दिया गया है मैं भारतीय हूँ, संस्कृत का भी देवनागरी ही है, गुजराती का भी देवनागरी ही है, पंजाबी का गुरुमुखी है, उर्दू की फारसी है और अंग्रेजी की रोमन है। ये नोट डाउन कीजिएगा, इससे सीटेट में काफी क्वेश्चन आ चुके हैं, आगे भी आ सकते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे यहाँ व्याकरण के बारे में समझाया गया है, भाषा का शुद्ध रूप बताइए, सॉरी भाषा का शुद्ध रूप बताइए, लिखने पढ़ने का सही ज्ञान कराइए, भाषा के नियम जो हमें सिखाए वही शास्त्र व्याकरण कहलाए। ठीक है, कितना बढ़िया सुंदर से कविता के जैसे यहाँ पे समझाया गया है। फिगर यहाँ पे देख सकते हैं, फिगर दी गई है, यहाँ पे दिया गया है क्या वे वाक्य शुद्ध है, जैसे गाय घास खा रहा है और बच्चा खेल रहा है, इसी के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे, क्या ये वाक्य शुद्ध है। नहीं, दोनों वाक्य अशुद्ध है। पहले वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है, पहले वाक्य में यहाँ पे लिंग संबंधी है, खा रही है, गाय स्त्रीलिंग है, इसलिए शुद्ध वाक्य होगा गाय घास खा रही है। दूसरे वाक्य वचन संबंधी अशुद्धि है, यहाँ दो बच्चे यानी बहुवचन है, एक से अधिक जो हो जाता है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है,
होने वाले व्याकरण के कारण वाक्य होगा बच्चे खेल रहे हैं। हम शुद्ध सही और अशुद्ध गलत का अंतर व्याकरण के कारण समझ पाए। व्याकरण ही हमें समझाता है कि किस तरह शुद्ध भाषा बोलने और लिखे, ठीक है, किस तरह हम भाषा शुद्ध बोले और लिखे। इससे हमें कहां से मिलता है? व्याकरण से। व्याकरण भाषा के नियमों का संग्रह है। यहाँ पे एक लाइन में इसका डिफिनेशन दिया गया है, भाषा को शुद्ध रूप में बोलना लिखना और पढ़ना सीखने वाली नियमावली व्याकरण कहलाती है। इसे नोट डाउन कीजिएगा। यह भी जानो, हिंदी विश्व में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा है। और कोंकणी एक ऐसी भाषा है जो 3 लिपियों पर आधारित है। क्या आप ये सब पहले जानते थे? आई थिंक नहीं जानते होंगे, बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो ये सब चीज जानते होंगे। ये कितना अच्छा ये बुक है। तो चलिए नेक्स्ट, अब इसमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर लास्ट कर दिया है, हमने क्या जाना। आदि मानव आज से सभ्य मानव के विकास के साथ साथ ही भाषा के विकास भी हुआ। नेक्स्ट दिया गया है, भाषा के 2 रूप है, मौखिक और लिखित। नेक्स्ट दिया गया है, निर्देशित चिन्हों संकेतों द्वारा अपनी बात कहना सांकेतिक भाषा है, लेकिन यह भाषा का रूप नहीं है। बोली सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली मौखिक भाषा होती है। और नेक्स्ट दिया गया है, बच्चा जो भाषा अपने परिवार में सीखता है उसे मातृभाषा यानी मदर टंग कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, राजकीय कामकाज की भाषा को राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट है, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा यानी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। भारत में आधिकारिक रूप से 22 और विश्व में करीब 6,500 भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहती है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। लास्ट है यहाँ पे, भाषा के नियमों का संग्रह व्याकरण कहलाता है। अब लास्ट में यहाँ पे दिखा दे रहे हैं जो यहाँ पे दिया गया है बच्चों के लिए सीखने के लिए एक्सरसाइज। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और समझ लीजिएगा। देखिए कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे राइटिंग में बच्चे ने जो अपना यहाँ पे भाई टास्क पूरा किया है। तो आपको भी देख लेना है, चीट मत कीजिएगा, पहले आप कीजिएगा उसके बाद देख लीजिएगा। आंसर तो इसमें दिया ही है। यहाँ पे भी देख रहे हैं कितने प्यारे प्यारे राइटिंग में यहाँ पे एक्सरसाइज टोटल दिए गए हैं। इसे आप स्क्रीन शॉट लेके और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और लास्ट में ये पता लगाओ जो दिया गया, ये काम आपको करना है, करना नहीं है, समझ लेना है। बस इतना ही हम लोग के लिए काफी है, क्योंकि ये जो है हमें सिर्फ टेस्ट एग्जाम पे फोकस करना था। तो ये है आज का जो हमारा था लेसन। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए जाते जाते अपना फर्ज निभाए, लाइक का बटन दबा के जाए। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।